Hello people. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning, Dosto. This is me Marutiwari. I have done my masters from IIT Kharagpur and I have eight years of experience in Gate and ESE. Multiple times many gate cracky, or I am also the author of the book Gate in 75 Days. This is all about me and then. अगर आपने मुझे अन अनअकैडमी पर अभी तक नहीं फॉलो किया है डू फॉलो आप मुझे फॉलो कर लो 8 फरवरी से एक जबरदस्त एक अनमैचेबल एक यू you नो know, बिंदास एक सॉलिड बैच स्टार्ट हो रहा है 8 फरवरी से गेट 2022 और गेट 2023 के लिए डेली चार घंटे की पढ़ाई आपको करनी है 6 से 10 मंडे टू फ्राइडे सैटरडे संडे कोई क्लासेस नहीं होंगी इस बैच में सो so दैट आप रिवाइज कर सको आप टेस्ट दे सको आप प्रैक्टिस कर सको आपके नोट्स आप संवार सको बना सको तो आठ <coughs> फरवरी से स्टार्ट हो रहा है ये जबरदस्त बैच मतलब यू you नो know, एक एक सब्जेक्ट जिस तरह से आपको सीखने को मिलेगा इस बैच में दैट इज गोइंग टू बी अनमैचेबल तो अनमैचेबल सीखो अनबीटेबल बनो और आपकी जीत अनस्टॉपेबल होने वाली है अगर आप निरंतर निरंतर, निरंतर, इफ यू कंटिन्यूअसली कंटिन्यूसली मंडे टू फ्राइडे मंडे टू फ्राइडे क्लासेस हैं मॉर्निंग स्लॉट 9:30 थर्टी टू इलेवन थर्टी इवनिंग स्लॉट सिक्स टू टेन अभी मॉर्निंग स्लॉट जो है उसमें अगर आप क्लासेस नहीं कर सकते हो कॉलेज की वजह से या फिर वर्किंग होने की वजह से तो इसीलिए सैटरडे संडे ऑफ है सैटरडे संडे ऑफ है तो वो आपका जो मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में दस घंटे नाइन थर्टी टू अलेवेन थर्टी टू आवर्स एंड मल्टीप्लाइड बाई फाइव टेन आवर्स सो ये टेन आवर्स यहाँ आप कॉम्पनसेट कर सकते हो क्योंकि एन अकेडमी पे जितनी बार आप देखना चाहो उतनी बार आप क्लासेस को अटेंड कर सकते हो रिवाइज कर सकते हो रिकापचुलेट कर सकते हो आठ फरवरी से पहला सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है वाइब्रेशंस आठ फरवरी से बीस फरवरी और उसके बाद बाईस फरवरी से लेकर अट्ठाईस मार्च तक स्ट्रेंथ ऑफ दैट इज मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स उसके बाद मिटीरियल मार्च से लेकर एक मई तक फ्लियड मैकेनिक्स आई से इट अगेन कि यू नो चार घंटे क्लासेस होंगी डेली मंडे टू फ्राइडे चार घंटे चार घंटे चार घंटे चार घंटे चार घंटे इस तरह से हर वीक इवनिंग स्लॉट जो होगा उसमें हम ये सारे सब्जेक्ट्स कवर कर रहे होंगे जैसे सोम मैकेनिक्स फीड मैकेट इस तरह के सारे सब्जेक्ट्स कवर कर रहे होंगे इवनिंग स्लॉट में शाम के स्लॉट में और हर वीक हम इफेक्टिवली बीस घंटे यूटिलाइज कर रहे होंगे तो दोस्त इसी तरह से थर्मोडाइनमिक्स है तीन मई से लेकर पाँच जून तक उसके बाद थे मशीन जनरल एप्टीट्यूड आठ मार्च से पंद्रह मई तक अमर राज रहे होंगे मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि ये अभी आगे हमारे पांच महीने का टारगेट रहने वाला है फॉर फर्दर फाइव इज गोइंग टू बी द टारगेट सोम ये थर्मोडिक्स मार्क्स सोम ये मार्क्स हम कवर करेंगे जबरदस्त तरीके से अल्टीमेट तरीके से अनमैचेबल तरीके से दीज फोर्टी मार्क्स विल बी कवरिंग ऑल राइट इन नेक्स्ट फाइव टू सिक्स मंथ्स एंड देन पूरा एप्टीट्यूड फिफ्टी परसेंट मैथिफ्टी परसेंट प्रोडक्शन ये मॉर्निंग स्लॉट में होगा तो इस तरह से हम जुलाई तक 70 मार्क्स जुलाई तक 70 मार्क्स टारगेट करेंगे क्लासेस सारी ऐड हो चुकी हैं ऑलराइट right, टेस्ट सारे ऐड हो चुके हैं हर दूसरे आ, मतलब मॉर्निंग स्लॉट इवनिंग स्लॉट में लाके हर सैटरडे टेस्ट होना है तो ये है सारा का सारा ये एजुकेटर्स हैं जो आपको सिखाने वाले हैं इसमें चलो 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 चलो, चलो लेट्स स्टार्ट द सेशन तो जो भी 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सब्सक्राइब यूजिंग द कोड एम टी एल आई वी ई टू गेट टेन परसेंट एडिशनल डिस्काउंट और आप मुझे मैसेज कर सकते हो अन अकेडमी ऐप पर अगर कोई भी आपका डाउट है क्वेरी है कंसर्न है तो कोई भी किसी भी तरह का संदेह है तो आप मुझे इस प्रोफाइल पर जाकर अन अकेडमी डॉट कॉम एट द रेट मारुत लाइव और आपको अगर डेमो क्लासेस अटेंड करनी है या सब्सक्रिप्शन नहीं भी लेना है तो भी जाके ये क्लासेस Uh, जाके ये क्लासेस अटेंड करोगे तो आपको कुछ गेन करने को मिलेगा सब्सक्रिप्शन ले, लेना ना लेना तो बात की बात है मेन थिंग इज कि अगर आप ये बीस क्लासेस uh, हैं और वेरिंग सब्जेक्ट से हैं तो अगर आप ये क्लासेस अटेंड करोगे तो बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और सिर्फ नया नहीं सीखने को मिलेगा बल्कि एक यू नो आपको सीखने की एक अप्रोच भी पता चलेगी कि इस तरह से सीखना चाहिए इंजीनियरिंग को तो गो 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 गो, गो टू दिस लिंक अगर आप 2022 के लिए टारगेट कर रहे हो गो टू दिस लिंक एंड अटेंड ऑल क्लासेस ये सारे सब्सक्रिप्शन पैकेजेस हैं वन मंथ से लेकर 24 24 मंथ्स तक जिसमें अगर आप मेरे थर्ड uh, ईयर या फाइनल ईयर के दोस्त हो और मुझे देख रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एटीन मंथ्स या ट्वेंटी फोर 18 एटीन मंथ्स या ट्वेंटी फोर मंथ्स एम टी लाइव कोड यूज करना है तो ये आपको इफेक्टिवली मंथ आएगा थर्टी फोर थाउजेंड और अगर आप टू ईयर्स के लिए जाते हो तो इफेक्टिवली सिक्सटीन हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज टोटल फोर्टी थाउजेंड ओके तो ये है दोस्त सारा सब्सक्रिप्शन का डिटेल अभी स्टार्ट करते हैं अपना मशीन डिजाइन आ, 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ जो पहले से सब्सक्राइब है उनका फिर से नया ग्रुप बनेगा हाँ जी नया ग्रुप क्या दे विल बी अ पार्ट ऑफ ऑटोमैटिकली विल बी अ पार्ट ऑफ द ग्रुप। दे विल बी अ पार्ट ऑफ़ द ग्रुप ऑटोमेटिकली ओके हाउ आर यू आई एम गुड आई एम गुड आई एम गुड आई एम गुड चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला सवाल आज का आज का सबसे पहला सवाल आंसर करो जल्दी से Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning people. ओके 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 पीपल हैव आंसर्ड चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन समय शुरू होता है अब आंसर करो सभी लोग जल्दी से आंसर करो Okay, 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 okay. People have answered B and C B and C. Cool Chalo. Let's move on to the next one. We have wait a moment, I figure draw kar deta ऑफ कोर्स दोनों में uh, सेम डाया के रिवेट्स लगे हुए हैं ऑल राइट सेम डाया ऑफ रिवेट्स इन वन एंड टू चलो ये आंसर करो बेटा ओके गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अंकुर चलो आंसर करो जल्दी से आंसर करो बेटा आंसर करो फटाफट उत्सव एबीसीडी हर्षित ए बी दिलेश एन सी राहुल ए एंड बी रामचंद्र ए रोहन ए एंड बी सौरभ दास ए एन बी लखबीर एन बी मनोज आर्य ए एन बी सौरभ उपाध्याय बी एन डी ओके हियर यू गो विद द नेक्स्ट वन ये बताओ ये बताओ ये बताओ ये बताओ जल्दी से इसके लिए भी आपके पास है एक मिनट पूरा का पूरा ये एमएसक्यू क्यू नहीं है ये ध्यान रखना ये तो सबको आता है सही है आना ही चाहिए आप लोगों ने सारी पढ़ाई की है और वो भी जबरदस्त तरीके से पढ़ाई की है लास्ट ईयर की टेस्ट सीरीज में जब मैं इस तरह के क्वेश्चन रखता था तो यू you नो know, जो ऑडियंस रहती थी वो सरप्राइज रहती थी थोड़ी सी अब ऑडियंस को पता है भाई अब ऑडियंस ने पढ़ रखा है सारी चीज़ें तो जब पढ़ ही रखा है तो नथिंग इज सरप्राइजिंग सो मच बट नन लेस ओके okay, अंकुर ओके 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 ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट डू बेस्ट हाँ बी एल के इंटरव्यू में फोड़ के आओ जबरदस्त तरीके से ओके okay? चलो ये रहा अगला सवाल आपके लिए दो मार्क्स का ये रहा आपके लिए अगला सवाल दो मार्क्स का समय शुरू होता है आपका अब ओके 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 पीपल हैव आंसर्ड कूल चलो आंसर करो जल्दी से आंसर करो जिसे भी आंसर करना है फिफ्थ का आंसर करो फटाफट ऑल राइट पीपल टाइम इज आप ये बताओ ये रहा आपके सामने अगला सवाल अगेन दो मार्क्स के लिए समय शुरू होता है अब बाई द वे इज द मास ऑफ ईच शू हेयर एम इज द मास ऑफ ईच शू

ध्यान रखना एम एज द मास ऑफ ईच शू गेट के एग्जाम में एम एस क्यू है ऐसा नोटिफाई कर रखा होगा हां मेंशन होगा क्वेश्चन में कि एम एस क्यू है या नहीं है ओके आंसर करो पीपल ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करवाए हैं क्लास में चलो फिफ्थ का सी ओके कोई बात नहीं ओके पीपल आंसर दिस जल्दी से इसको आंसर करो बेटा एंड वंस यू आर डन लेट्स मूव ऑन 1.1 डिवाइडेड बाय 1.76 आ रहा है अच्छा तो इसको कैलकुलेट करके देखो ना 1.1 डिवाइडेड बाय 1.76 अच्छा 0.625 आ रहा है आपका ओके चलो सॉल्यूशन के समय देखते हैं रोहन को डी मिला है ऋषभ को डी मिला है नेहा को डी मिला है और ओंकार को डी मिला है लखबीर और रोहन को भी डी मिला है चलो ये करो सॉल्व दिस वन सॉल्व दिस वन वेट सर ओके वेट कर लेता हूं नो प्रॉब्लम वेट कर लेता हूं फॉर वन मोर मिनट्स थोड़ा डर लग रहा है डर किस बात का यार जो कुछ किया है अच्छे से किया है यू नो हैव इन एंड महादेव पे भरोसा रखो अपनी मेहनत करते रहो बाकी मस्त रहो है ना? गेट में अच्छे से अच्छा करना है और गेट में अच्छा करना है या नहीं करना है उससे मच बेटर है कि लाइफ में अच्छा करना है तो लाइफ इज मच मोर एंड लाइफ इज मच बियॉन्ड गेट लाइफ जीवन जो है वो गेट से कहीं बड़ा और कहीं आगे है इसलिए गेट को इतना बड़ा इश्यू बनाने की जरूरत नहीं है और डरने की जरूरत नहीं है करते रहो देखो सारे प्रोफेशन में जो होते हैं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर ही रहा है जिसे आप कहते हो कर्म की दुनिया तो करते रहो आपकी आपकी ड्यूटी है रिस्पॉन्सिबिलिटी है करना बाकी रिजल्ट अच्छा ही आएगा चलो ये करो जल्दी से यही बातें हैं जो मुझे पढ़ने का हौसला देती हैं एग्जैक्टली एग्जैक्टली खान साहब हमारा तो काम है भाई जो भी एफर्ट्स हैं कहीं किसी भी प्रोफेशन में होते तो आप एफर्ट्स तो डाल ही रहे होते ना और यही दुनिया है यही जीवन है यही जिंदगी है रिजल्ट अच्छा बुरा जो भी हो That's the spirit, वही तो। मजे से अपने एफर्ट डालते रहो यार सब बढ़िया होगा कमान चलो 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 ये आंसर करो जल्दी से आंसर करो सभी लोग लड़कियों से उनकी गेट की उनकी एज नहीं पूछते लड़कों से उनकी सैलरी और मारो सर से उनका गेट का स्कोर एक्चुअली uh, मैं इस पर थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस ब्रिंगिंग दिस ह्यूमर मैं जो सेशन शुरू करता हूँ ना कोई ऐसा आज तक सेशन नहीं हुआ यूट्यूब पे जो मैंने शुरू किया हो और शुरू में ही इन द वेरी स्टार्टिंग मैं उसको यही बोल रहा था कि भाई मैं ऐसा इंसान हूँ जो जो भी है अच्छा बुरा ओपनली ब्रैक करता हूं कि भाई ये है मेरा और ये हूं मैं है ना पहला काम मैं आते ही कोई भी वीडियो शुरू करता हूं तो पहला काम अपनी के बारे में ब्रैक करना ही होता है और उसके बाद कोई आके अगर बोले कि अरे ये बताएगा नहीं अरे ये बताएगा नहीं देख लेना तो वेरी फर्स्ट थिंग डू इज क्रेडेंशियल्स के बारे में बताता हूं कि भाई मैंने कहां से master's करी है मैं किस बुक का ऑथर हूं मैंने जो भी अच्छा बुरा मेरा गेट में रहा है क्या एक्सपीरियंस है मेरा बताना ही चाहिए तभी स्टूडेंट्स जानेंगे समझेंगे सीखेंगे कि भाई हाँ जो मुझे पढ़ा रहा है उसके क्रेडेंशियल्स क्या हैं लेकिन प्रोपेगेंडा वाले आ जाते हैं पता नहीं कहां से भेजे हुए चलो ये आंसर करो जल्दी से आंसर करो ये आंसर करो जल्दी फटाफट नाइन पॉइंट एट सेवन थ्री इंटू टेन रेस टू थ्री न्यूटन मीटर ओके शुभम ने आंसर कर दिया है शुभम ने आंसर कर दिया है मेरा डेढ़ साल पहले का जाके वीडियो कोई देखेगा उसमें भी ये मतलब तो डेढ़ साल से ही हुई मैं अकेडमी पर बिग फॉलोवर ऑफ यू थैंक यू थैंक यू आई नो आई नो आई नो यू आर दैट्स वाई आई सेड कि थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस ह्यूमर चलो दोस्त ये आंसर करो फटाफट चलो अभी तक अगर नहीं आंसर कर पाए देन वी विल मूव ऑन ये है आपके लिए अगला सवाल दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू हेयर इज थ्री बॉल्स अरेंज्ड लाइक दिस एंड दीज थ्री बोल्ड्स आर एक्चुअली These three bolts are actually connecting something to something. Wait for a moment. Wait for a moment. These three bolts are connecting something to something else. And we are applying a force F here at. टू ए डिस्टेंस फ्राम बोल्ट ए एंड दिस इज ए दिस इज एंड दिस इज एसा कुछ आपको गिवेन है वेट फॉर अ मोमेंट अगेन वेट 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 बेट 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 वेट वेट दिस इज नाट ए दिस वन इज ए अब स्टार्ट कर सकते हो आप सॉल्व करना समय आपका शुरू होता है अब चलो बेटा सॉल्व करो जल्दी से 4489 newton meter okay 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 now you solve this one bolted joined with bolts a b and c shown in figure net shear load carried by bolt a is सॉल्व करो जो भी है आंसर करो जय जवान जय किसान ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था जय जवान जय किसान जिनको साजिशन मरवा दिया गया जिनको षड्यंत्र करके जय जवान जय किसान किसान शास्त्री जी ने नारा दिया था जिनको आज तक नहीं पता किसी को कि एक फैमिली की वजह से किस रहस्यमयी मौत का सामना करना पड़ा तो रेबल थैंक यू सो वेरी मच फॉर रिमेंबरिंग लाल बहादुर शास्त्री जी 1.038 आ रहा है अच्छा जी 1.038 आ रहा है चलो मैं आ, 30 थर्टी सेकेंड्स के लिए और वेट आई आ वेट फॉर थर्टी सेकेंड्स मोर 1.35 आया अरे सबका अलग ही अलग आ रहा है अरे सब ने सी आंसर कर दिया है हर्षित ने भी सी आंसर कर दिया है ओके 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 चलो आंसर करो जल्दी से मुझे लेस देन वन आ रहा है नॉट अटेम्प्टेड रोहन ने आंसर कर दिया है सी ओके पवन ने आंसर कर दिया है सी आई चेंज आंसर टू ए ओके ओके शुभम इज चेंजिंग द आंसर टू ए नाउ हम्म आज कितने क्वेश्चन हैं दस दस क्वेश्चन हैं बस हम पहुंचने ही वाले हैं वहां पर चलो बहुत समय दे दिया मैंने इसके लिए बहुत 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 समय दे दिया आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले सवाल पर लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन

एक पैरेलल फिलेट वेल्डेड ज्वाइंट है और यहां पर मैंने पूरे लेंथ पर पूरे लेंथ पर ये वेल्ड अप्लाई किया है और ये है थ्री एल इज थ्री एल एंड मैंने यहां पर जो फोर्स अप्लाई किया है फोर्स इज़ वेट फॉर अ मोमेंट मैंने फोर्स अप्लाई किया है जस्ट वेट फॉर अट एक बार देख लू कि मैंने ये क्वेश्चन में हाँ जी तो मैंने ये तो फिक्स है एक ब्रैकेट ग्राउंडेड है और दूसरे ब्रैकेट पर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम दैट फोर्स इज एफ एंड उसका लाइन ऑफ एक्शन इज पासिंग थ्रू उसका लाइन ऑफ एक्शन इज पासिंग थ्रू फोर एल बाई थ्री फ्रॉम द लोअर साइड ओके तो ऐसा कुछ गिवन है आपको अब आप अपनी पेन उठाओ और शुरू हो जाओ अब आप अपनी पेन उठाओ और शुरू हो जाओ शुरू हो जाओ शुरू हो जाओ तीन से चार मिनट वेट करूंगा मैं एट्थ का बी ओके उत्कर्ष अभी नाइन्थ पर आ जाओ फटाफट एटथ जबरदस्त लगा बढ़िया 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 आंसर करो जल्दी से आंसर करो भैया दो मिनट पूरे हो चुके हैं तीन मिनट बल्कि तीन मिनट पूरे हो चुके हैं जल्दी आंसर करो बेटा का सी ओके 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 ओके, ओके। नाइन्थ का सी नाइन्थ का सी नाइन्थ का सी सौरभ सी। खबीर सी आदर्श सी रोहन सी हर्षित बंसल सी कूल चलो अभी मूव करें अगले क्वेश्चन पर जितेंद्र ने आंसर कर दिया है ए ओके 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 ट्विस्ट है कुछ अभी रुझानों में ट्विस्ट है मणिकरण ने मनीकरण ने आंसर कर दिया है बी मनीकरण हैज आंसर बी ओके Okay, chalo. Let us move on. Let us move on to the next one. This is the last problem for today. And make sure you answer it with your calm and cool mind. So, driver side of a clutch is running with angular velocity omega and is connected to a source of power P. Mass moment of inertia of driven side is five times that of the driver side of the components. ड्राइवर साइड components विच इज आई the टाइम फॉर एंगेजमेंट इज आपको बताना है कि कितना टाइम लगेगा एंगेजमेंट होने में क्लच को एंगेज होने में कितना टाइम लगेगा आई ड्राइवर का है ना देखो ड्राइवर साइड कंपोनेंट्स विच इज आई लिखा हुआ है ना ड्राइवर साइड कंपोनेंट्स विच इज आई फिर भी आपने क्लेरिफाई किया तो अच्छी बात है नो no प्रॉब्लम टेंथ नॉट अटेम्प्टेड आप क्लास नहीं रिवाइज कर रहे हैं क्या आप पूरी क्लास रिवाइज नहीं कर रहे क्या क्योंकि जो पूरी क्लास रिवाइज कर रहा है उसको कम से कम 60 परसेंट टेस्ट बहुत आसान लगना चाहिए था चलो दोस्त अभी आंसर करो जल्दी से डी 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 ओके 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 अस मूव ऑन लेट अस मूव ऑन लेट अस मूव ऑन टू सॉल्यूशन सबसे पहला सवाल है डिस्क ब्रेक इज अ टाइप ऑफ एक्सेल ब्रेक इसमें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है ये था वन मार्क के लिए और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है और करेक्ट आंसर है सेकेंड सेकेंड वन विच इज एक्सीयल ब्रेक अब डिस्क ब्रेक है एक्सीयल ब्रेक तो है मतलब बस ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेनेशन ये दिया जा सकता है कि इसमें फोर्स एक्सीयल होता है डिस्क ब्रेक इज अ ब्रेक डिस्क ब्रेक हैज एक्सीयल एक्चुएटिंग फोर्स डिस्क ब्रेक हैज एक्चुअल एक्सीयल एक्चुएटिंग फोर्स इसमें जो एक्चुएटिंग फोर्स है वो एक्सियल होता है ठीक है इसलिए करेक्ट आंसर है इसलिए डिस्क ब्रेक इज अ टाइप ऑफ एक्सीय ब्रेक सिमिलरली ब्लॉक ब्रेक है वो रेडियल ब्रेक होता है बैंड ब्रेक है वो भी रेडियल ब्रेक होता है सेम ऑफ ऑफ फ्रिक्शन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर incorrect coefficient of friction आपको सही मान करना है uniform pressure predicts more torque capacity uh, than uh, uniform wear same inner and outer radii बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात है इसमें कोई भी खराब बात नहीं है मतलब इसमें कोई भी गलत बात नहीं है ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि जब आप देखते हो किसी भी क्लच में इनर रेडियस से लेकर इनर रेडियस से लेकर आउटर रेडियस तक कोटिंग है इनर रेडियस से लेकर आउटर रेडियस तक कोटिंग है तो जो यूनिफॉर्म प्रेशर इंटेंसिटी है सेम सेम इनर और आउटर रेडियाई के लिए बोला है हमने. उन्होंने उन्होंने सेम इनर और आउटर रेडियाई के लिए बोला है तो सेम इनर और आउटर रेडियाई के लिए क्या हो जाएगा यूनिफॉर्म प्रेशर इंटेंसिटी सभी जगह पर उस मैक्सिमम प्रेशर को अश्यूम कर पाएगा सभी जगह उस मैक्सिमम प्रेशर को अश्यूम कर पाएगा पूरे एरिया पर ध्यान रखना सेम इनर और, और आउटर के के लिए लिए सेम इनर और आउटर के लिए आपको बोला गया है कि यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी प्रेडिक्ट्स मोर टॉर्क कैपेसिटी तो <coughs> यूनिफॉर्म वियर क्या करता है यूनिफॉर्म वियर अनफॉर्चुनेटली जो भी मैक्सिमम परमिसेबल प्रेशर इंटेंसिटी है जो भी मैक्सिमम परमिसेबल प्रेशर इंटेंसिटी है उससे कम ही होती जाएगी क्योंकि यूनिफॉर्म वियर मानता है कि प्रेशर इंटेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं रह सकती तो आपको सेम कैपेसिटी, आपको मैक्सिमम कैपेसिटी नहीं मिलेगी आपको जबरदस्त कैपेसिटी नहीं मिलेगी ऑल right, तो यूनिफॉर्म वेयर की अगर सेम इनर और आउटर रेडियाई पर कंपेयर करोगे तो यूनिफॉर्म वेयर से आपको कम आ, ये मिलेगा यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी आपको उतना अच्छी कैपेसिटी प्रोडिक्ट नहीं करने वाली है इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी बेटर है ऐसे मत समझ लेना कि यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी बेटर है क्यों क्योंकि एक चेयर है और उस चेयर पे एक इंसान कहता है कि 50 किलो ही मैक्सिमम बैठ सकता है दूसरा इंसान कहता है उस चेयर को देख कि अरे इस, तो इस पर तो 500 किलो का इस पर तो 500 हंड्रेड का वेट हम अप्लाई कर सकते हैं तो कोई अगर कैपेसिटी को ओवर एस्टिमेट कर रहा है तो इट्स नॉट अ गुड थिंग बहुत अच्छी बात नहीं है कि आप कैपैसिटी को किसी भी गिवन कॉम्पोनेंट की कैपेसिटी को ओवर एस्टिमेट करके दिखाओ ऑल राइट इसलिए यूनिफॉर्म वियर थ्योरी एक कंजर्वेटिव थ्योरी है यू नो कम कैपेसिटी करके बोलता है वो इसलिए वो सेफ है इसलिए वो आपको जो बता रहा है वो सच्चाई में उतना तो मिलेगा ही मिलेगा यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी इज लाइक यू नो जाओ बेटा मिलेगा तुम्हें लेकिन एक्चुअली मिलेगा क्या तो इसका मतलब यह मत समझ लेना यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी अच्छा है बट हां टार्क कैपैसिटी प्रडिक्टेड बाई टार्क कैपैसिटी एस्टिमेटेड बाई यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी वुड बी मोर टार्क कैपैसिटी एस्टिमेटेड बाई एस्टिमेटेड बाई यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी वुड बी मोर देन टार्क कैपेसिटी एस्टिमेटेड बाय यूनिफॉर्म वियर थ्योरी तो इसलिए ये स्टेटमेंट पूरी तरह से करेक्ट है अब आते हैं दूसरे स्टेटमेंट पर दूसरा स्टेटमेंट है सेम टार्क कैपेसिटी और सेम इनर रेडियस के लिए सेम टार्क कैपेसिटी अब देखो इसी पहले स्टेटमेंट का ही कहीं ना कहीं ये एक्सटेंशन है सेम टॉर्क कैपेसिटी और सेम इनर रेडियस के लिए यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी वुड रिक्वायर मोर आउटर रेडियस देन यूनिफॉर्म वियर ओ हो 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 इसमें थोड़ा सा यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी वुड रिक्वायर मोर आउटर रेडियस देन यूनिफॉर्म वियर थ्योरी तो ये यहां पे वियर होना चाहिए अब इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि जिन्होंने और आप लोगों ने किसी ने बताया भी नहीं है क्वेश्चन के समय क्या ही पढ़ रहे हो आप क्वेश्चन फॉर सेम टॉर्क कैपेसिटी एंड सेम इनर रेडियस यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी वुड रिक्वायर मोर आउटर रेडियस देन यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी वेल इसको भी देखते हैं इसकी भी पोस्टमार्टम एनालिसिस करते हैं कि अगर आपको टॉर्क कैपेसिटी सेम चाहिए तो आप बता दो मुझे अगर टॉर्क कैपेसिटी सेम चाहिए तो यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में प्रेशर लैक हो जा रहा है यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में प्रेशर की कमी आ जा रही है अब देखो ना ध्यान से यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म वियर वियर थ्योरी थ्योरी में प्रेशर प्रेशर लैक हो जा रहा है इज लैकिंग इन अगर सेम टॉर्क कैपेसिटी चाहिए उसकी बात कर रहा हूं मैं तो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी में क्या है कि भाई सेम मैक्सिमम प्रेशर आप सभी जगह पर यूज कर सकते हो और इनर रेडियस भी सेम रखने को कहा है इन्होंने inner radius will have to keep keep same inner radius will have to keep same but outer radius actually uniform wear theory mein zyada chahiye hoga kyun uniform wear theory mein zyada chahiye hoga why you will require more uh, outer radius in uniform wear theory kyunki jab pressure lack hoga to आपको torque capacity उतनी ही चाहिए तो आप area बढ़ा के force की value बढ़ाने की कोशिश करोगे I repeat once again That, क्योंकि यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी में प्रेशर आपका कम होने लगा ये देखो इतने प्रेशर का लॉस हो गया इतने प्रेशर का लॉस हो गया दिस इज काइंड ऑफ लॉस ऑफ प्रेशर तो उसको आप एरिया बढ़ा के उसको आप एरिया बढ़ा के कॉम्पनसेट करने की कोशिश करोगे इसलिए अगर सेम टॉर्क कैपेसिटी है अगर सेम टॉर्क कैपेसिटी चाहिए तो यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी बोलेगा कि भाई रेडियस को ज्यादा रखो एरिया को ज़्यादा रखो फॉर सेम टार्क कैपेसिटी आउटर रेडियस आउटर रेडियस एस्टिमेटेड बाय यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी वुड बी मोर देन, द आउटर रेडियस एस्टिमेटेड बाय, आउटर रेडियस एस्टिमेटेड बाय, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी जो रेडियस आउटर रेडियस एस्टिमेट करेगा उससे ज़्यादा वो ज्यादा होगा क्यों क्योंकि उसके पास प्रेशर का एडवांटेज नहीं है तो वो एरिया बढ़ा के उस चीज को कंपेंसेट करने की कोशिश करेगा तीसरा है सेम कैपेसिटी के, के लिए और सेम इनर और आउटर रेडियाई के लिए मैक्सिमम प्रेशर इंटेंसिटी फॉर सेम टार्क कैपेसिटी और सेम इनर और आउटर रेडियाई मैक्सिमम प्रेशर इंटेंसिटी यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी में ज्यादा होगा और यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी में कम होगा तो दूसरा इनकरेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अगर यहां पे मैंने ये टाइपो ना की होती तो अगर वो टाइपिंग एरर ना होती तो दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इसलिए दूसरा स्टेटमेंट आंसर बनेगा अब तीसरी बात इन्होंने बोली है कि सेम टॉर्क कैपेसिटी है सेम टॉर्क कैपेसिटी है और सेम इनर और आउटर एरिया है अब आप बता दो मुझे कि सेम एरिया के साथ सेम टॉर्क कैपेसिटी यूनिफॉर्म वीयर थ्योरी दे सकता है क्या नहीं जब तक उसकी मैक्सिमम प्रेशर इंटेंसिटी आप बढ़ाना दो जब तक उसकी मैक्सिमम प्रेशर इंटेंसिटी आप बढ़ाना दो तो सेम मेरे प्यारे दोस्तों सेम इनर और आउटर रेडियाई सेम इनर और आउटर रेडियाई वी हैव सेम इनर और आउटर रेडियाई एंड वी हैव ध्यान से समझियो बहुत ध्यान से समझियो वी हैव सेम इनर एंड आउटर रेडिया एंड वी हैव सेम टॉर कैपेसिटी सेम इनर एंड आउटर रेडियाई एंड सेम टपेसिटी तो जाहिर सी बात है कि यूनिफॉर्म वियर थ्योरी को मैक्सिमम प्रेशर इंटेंसिटी बढ़ानी होगी सो so दैट वो ऑन एन एवरेज ऑन एन एवरेज वो मैक्मम यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी का इफेक्ट ला सके ऑन एन एवरेज वो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी का इफेक्ट ला सके एवरेज यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी का इफेक्ट ला सके अगर क्योंकि उसकी, क्योंकि उसकी, uh, कही डिक्रीज कर, कर रहा है तो कहीं ज्यादा होगा और कहीं कम होगा तब जाके वो कॉम्पेंसेट कर पाएगा समवेयर इट विल बी मोर समर इट विल बी लेस देन इट विल बी एबल टू कॉम्पेंसेट लार्जली इसलिए सेम टॉर्क कैपैसिटी सेम टार्क कैपेसिटी एंड सेम स्टार्क कैपेसिटी एंड सेम आर आई एंड आर ओ के लिए आर ओ के लिए मैक्सिमम प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ यूनिफॉर्म वेयर थियोरी मैक्सिमम प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी will be more than the maximum pressure intensity of uniform pressure theory. Okay, ऐसा given है या इसका opposite given है इसका opposite given है. तो इसका opposite given है तो इसका opposite given है अगर तो incorrect है Same torque capacity और same inner और outer radii के लिए maximum pressure intensity uniform pressure theory में ज्यादा होगा ऐसा बोला है यहां पर एक्चुअली क्या होगा एक्चुअली यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में ज्यादा होना पड़ेगा क्यों ताकि कहीं उसका प्रेशर कम है कहीं उसका प्रेशर ज्यादा है देखो आपको टॉर्क उतना ही चाहिए। उतनी ही चाहिए चाहिए कैपेसिटी कैपेसिटी उतनी मिलती है दो चीजों से प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया मल्टीप्लाइड बाई रेडियस प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया बिकम्स फोर्स एंड फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिकम्स टॉर्क तो अब आपके पास रेडियस या एरिया का कोई एडवांटेज है क्या विशेष नहीं है एरिया का कोई एडवांटेज है नहीं क्यों क्योंकि सेम एरिया सेम एरिया एंड प्रेशर का एडवांटेज कहां है प्रेशर का डिसएडवांटेज कहां है यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी में जहां पर प्रेशर आपको लगातार लगातार ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा प्रेशर पूरे एरिया पर नहीं मिल सकता तो कहीं ज्यादा यूज करोगे तो कहीं जो लॉस है उसको कॉम्पेंसेट करेगा वो उसकी भरपाई करेगा इसलिए यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी में ज्यादा यूज करना पड़ेगा चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कौन क्लच में कम स्प्रिंग फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है मैकेनिकल एडवांटेज प्रेजेंट होने की वजह से ये था प्लस वन और ये था माइनस जीरो और करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी और सी करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी और सी लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन है ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन है दोस्त प्लस वन यहाँ भी है माइनस जीरो है और करेक्ट आंसर है सिर्फ और सिर्फ ए और बी करेक्ट आंसर है ए और बी क्यों ए और बी क्योंकि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ओके नाइन रिबिट्स यहाँ हैं नाइन रिबिट्स यहाँ हैं ओवरऑल शेयरिंग स्ट्रेंथ और क्रशिंग स्ट्रेंथ दोनों जगह पर एक जैसी होगी नाइन रिबिट्स यहाँ हैं नाइन रिबिट्स यहाँ हैं ओवरऑल शेयरिंग स्ट्रेंथ और क्रशिंग स्ट्रेंथ दोनों जगह पर एक जैसी होगी तो शेयरिंग स्ट्रेंथ और क्रशिंग स्ट्रेंथ ये दोनों एक जैसे होने वाले हैं लेकिन टीयरिंग स्ट्रेंथ एक जैसा नहीं होगा क्यों टीयरिंग स्ट्रेंथ एक जैसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तीन होल हैं यहाँ पर तीन होल हैं और यहाँ पर सिर्फ एक होल है यहाँ पर सिर्फ एक होल है लेकिन सर थर्ड रो में तो है तो थर्ड रो में जब आप तीन होल काउंट करोगे तो आपको ये दो रिवेट्स का सामना भी करना पड़ेगा इसलिए सेकेंड वाले का टीयरिंग स्ट्रेंथ इज एक्चुअली बेटर दैन द फर्स्ट वन फर्स्ट वन में एरिया की एरिया को जो आपने कमजोर किया है होल करके एक होल दूसरा होल तीसरा होल एक होल दूसरा होल तीसरा होल तो वो तीन होल कहीं ना कहीं आपके पूरे एरिया को कमजोर कर देंगे दे विल मेक योर एरिया वीक 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 ओके, दे विल मेक योर एरिया वीक पूरे एरिया को कमजोर कर देंगे लेकिन यहां पर सिर्फ एक होल है आउटर रो में जो एरिया को कमजोर कर रहा है सिर्फ एक होल है आउटर रो में जो एरिया को कमजोर कर रहा है ओके okay, तो टीयरिंग स्ट्रेंथ टीयरिंग के मामले में दूसरा ज्वाइंट इज एक्चुअली बेटर क्यों क्योंकि सिर्फ एक होल है एक होल है जो एरिया को कमजोर कर रहा है हाँ ठीक है दूसरे रो में दो होल हैं लेकिन फिर ये एक रिबेट को आपको शेयर भी करना पड़ेगा तभी आप सेकेंड रो से टीयर कर सकते हो इसलिए टीयरिंग जो है वो सेकेंड ज्वाइंट का बेटर है और अगर एक भी स्ट्रेंथ मिसमैच हो गई तो फिर एफिशिएंसी, ज्वाइंट एफिशिएंसी तो मैच हो ही नहीं सकती इसलिए दोनों का शेयरिंग और क्रसिंग स्ट्रेंथ एक जैसा है बस एक सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक हमेशा सेल्फ लॉकिंग होगा जरूरी नहीं है सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक हमेशा सेल्फ लॉकिंग होगा जरूरी नहीं है जो भी ब्रेक होते हैं जो भी ब्रेक होते हैं जितने भी ब्रेक ब्रेक हैं जितने भी ब्रेक हैं उनको दो सेट्स में डिवाइड किया जा सकता है जितने भी ब्रेक हैं ब्रेक इज लाइक अ यूनिवर्सल सेट ब्रेक्स फॉर्म यूनिवर्सल सेट दिस इज यूनिवर्सल सेट ओके एंड देन देयर इज अ सेट कॉल्ड सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक्स का सेट there is a universal set and then there is a set called self energizing breaks ka set ab universal set kya hai universal set hai jitne bhi type ke brakes ho sakte hain universal set hai jitne bhi type ke brakes ho sakte hain और उसमें से a क्या represent कर रहा है a represent कर रहा है set of a represent कर रहा है self set of self energizing breaks सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक्स क्या होते हैं बोलो सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक्स वो होते हैं वेयर सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक्स वो होते हैं वेयर फ्रिक्शन फोर्स वेयर फ्रिक्शन फोर्स हेल्प्स ड्यूरिंग वेयर फ्रिक्शन फोर्स हेल्प्स ड्यूरिंग एंगेजमेंट ऑफ ब्रेक और एक्चुएशन ऑफ ब्रेक जब आपका फ्रिक्शन फोर्स आपको हेल्प करने लगे आपके ये नो ब्रेक ब्रेक को एक्चुएट करने में या ब्रेक को एंगेज करने में ऐसी ब्रेक्स 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 को हम कहते हैं सेल्फ सेल्फ एनर्जाइजिंग एनर्जाइजिंग अब का ही एक और जहां हेल्प ना करे जहां हेल्प ना करे वो यू माइनस ए वो हो जाएंगे नॉट सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक्स यू माइनस ए ये वाला जो स्पेस है ये हो गया अरे मतलब वेन डायग्राम के थ्रू बता रहा हूं मैं ये मत सोच लेना कि एक्चुअली कोई ब्रेक बनाया है मैंने अरे मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ना आपने सेट थ्योरी तो यू माइनस ए इज नॉट रिप्रेजेंटिंग सेल्फ एनर्जाइजिंग यू माइनस ए इज नॉट रिप्रेजेंटिंग सेल्फ एनर्जाइजिंग ओके ये सेल्फ एनर्जाइजिंग को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है क्यों क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन फोर्स हेल्प नहीं कर रहा होगा अब फ्रिक्शन फोर्स कभी कभी इतनी हेल्प कर देता है कि आपको कुछ, कर आप कुछ, कर आप कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े फ्रिक्शन फोर्स कभी कभी फ्रिक्शन फोर्स का हेल्प करना जरूरी है पहली शर्त लेकिन उसमें इतनी हेल्प कर दे कि आपको कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े उसमें इतनी हेल्प कर दे कि आपको कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े तो समझो बात को प्लीज फ्रिक्शन फोर्स हेल्प करे तो सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक अगर फ्रिक्शन फोर्स इतनी हेल्प कर दे कि आपको कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े फ्रिक्शन फोर्स हेल्प्स सो मच दैट वी डोंट नीड टू अप्लाई एनी एफर्ट इसे कहते हैं सेल्फ लॉकिंग ब्रेक इसे कहते हैं सेल्फ लॉकिंग ब्रेक तो सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक है तो सेल्फ लॉकिंग ब्रेक होगा हमेशा ना सेल्फ लॉकिंग ब्रेक है तो सेल्फ एनर्जाइजिंग होगा यस या तो सेल्फ एनर्जाइजिंग हो सकता है या सेल्फ लॉकिंग हो सकता है दोनों नहीं हो सकता क्या बात कर रहे हो अगर सेल्फ लॉकिंग है तो दोनों ही है वो सेल्फ एनर्जाइजिंग है तभी सेल्फ लॉकिंग हुआ और ब्लॉक ब्रेक्स में यूनिफॉर्म प्रेशर इंटेंसिटी होती है कि आप ब्लॉक और ड्रम के बीच में ना।, ना 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 तो दोस्त ये मिल जाता है आपको सेकेंड ऑप्शन करेक्ट ये था प्लस वन ये था प्लस वन ये था माइनस जीरो माइनस जीरो पॉइंट थ्री थ्री और यहां पर करेक्ट आंसर है सेकेंड वन यहां पर करेक्ट आंसर है सेकेंड वन खूल दूसरा आंसर है करेक्ट वन नाउ ओपन क्वाइर्ड हेलिकल स्प्रिंग इज सब्जेक्टेड टू टॉर्क टी अगले सवाल पर चलते हैं हेलो पीपल हेलो पीपल हेलो पीपल आज तो मजा ही आ गया वाई वी कंसिडर्ड सर हाउ कैन पी आई स्टूडेंट्स गेट इन टू पी एस यूज टाइमर क्यों है क्योंकि वो आ, पहले टेस्ट हो रहा होता है ना तो टाइमर लगा के ही टेस्ट होता है उसके बाद आ, मैं अभी सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ पहले टेस्ट हो चुका है ना टाइमर लगा के ही टेस्ट होता है हाँ निवेदी लेकिन हम तो यही मानेंगे कि सेम मेटीरियल पे कंपेरिजन हो रहा है अगर प्रेशर इंटेंसिटी के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है तो हम यही मानेंगे कि सेम मटेरियल पे कंपैरिजन हो रहा है वैसे भी उन्होंने बोला है वैसे भी उन्होंने बोला है कि सेम ऑफ ऑफ फ्रिक्शन फ्रिक्शन है तो सेम है अगर तो हम अश्यूम करेंगे कि भैया मटेरियल सेम होगा और मटेरियल सेम होगा तो जहां पर जहां पर प्रेशर इंटेंसिटी का खुद का कंपेरिजन ना करना हो वहां पर प्रेशर इंटेंसिटी को हम सेम मटेरियल के हिसाब से मान के ही कंपेयर करेंगे आगे एंड इज वेरी लेजिटिमेट बहुत genuine है, बहुत legitimate है, उसमें कुछ गलत नहीं कर रहे एक ओपन ओपन हेलिकल हेलिकल स्प्रिंग स्प्रिंग है और उस पे सच दैट टार्क इज अबाउट लॉन्गिट्यूडिनल एक्सेस ऑफ स्प्रिंग ओके तो एक ओपन क्वायर्ड हेलिकल स्प्रिंग है ध्यान से समझियो ओपन क्वायर्ड हेलिकल स्प्रिंग ऐसा होता है जिसमें क्वाइल का एंगल बहुत ज्यादा होता है तो आप स्ट्रेट नहीं मान सकते क्वाइल का एंगल बहुत ज्यादा होता है तो आप स्ट्रेट नहीं मान सकते दिस इज दिस इज अ क्लोज क्वाइल्ड एंड देन दिस इज एन ओपन क्वाइल्ड तो ओपन क्वाइल्ड के केस में क्या होगा दिस इज क्लोज क्वाइल्ड जहां पे आप लगभग क्वाइल को हॉरिजॉन्टल मान सकते हो यू कैन एश्यूम क्वाइल टू बी हॉरिजॉन्टल लाइक दिस देखो ध्यान से समझियो सुक्वायल को बेटा आप हॉरिजॉन्टल मान सकते हो लो स्क्वायल के केस में लाइक यहाँ से आपने स्प्रिंग बनानी शुरू की यहाँ से आपने स्प्रिंग बनानी शुरू की फिर इधर गए फिर इधर आए लगभग आप हॉरिजॉन्टल ही रन कर रहे हो ऑलमोस्ट यू आर रनिंग हॉरिजॉन्टल, ऑलमोस्ट यू आर हॉरिजॉन्टल ओके लाइक दिस तो इस तरह आपने ये इतना सेगमेंट ले लिया है और उसको रिप्रेजेंट किया है ध्यान से समझियो बहुत ध्यान से समझियो एंड इसमें इस क्वेश्चन में, इस में मुझे कहना पड़ेगा आई एम सॉरी बाबू तो ये इतना पार्ट आपने ले लिया है और यहाँ रिप्रेजेंट किया है अब आप जो जो भी यू नो you know, जो भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस के अबाउट स्प्रिंग की लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस के अबाउट टार्क अप्लाई करोगे स्प्रिंग की लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अबाउट टार्क अप्लाई करोगे वो टार्क जब आप यहां पर आकर क्रॉस सेक्शन पर देखोगे इस वायर के क्रॉस सेक्शन पर देखोगे वेन यू आर गोइंग टू वेन यू आर गोइंग टू विजुअलाइज दैट वेन यू आर गोइंग टू विजुअलाइज दैट टार्क एट द वायर क्रॉस सेक्शन जब आप उसको वायर के क्रॉस सेक्शन पर विजुअलाइज करोगे तो आपको कैसा दिखेगा तो वो आपको दिखेगा ये टी एक्चुअली इस एक्सिस के अबाउट दिखेगा और वो बेंड करने की कोशिश करेगा वो बेंड करने की कोशिश करेगा वायर क्रॉस सेक्शन के लिए वो बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा इट विल बिकम बेंडिंग मोमेंट फॉर वायर क्रॉस सेक्शन इट विल बिकम बेंडिंग मोमेंट फॉर वायर क्रॉस सेक्शन ओके तो वायर के क्रॉस सेक्शन के लिए बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा ये फॉर वायर क्रॉस सेक्शन

अब आप जरा आके यहाँ पर क्रॉस सेक्शन विजुअलाइज करो इस ओपन हेलिकल स्प्रिंग का और अगर आप क्रॉस सेक्शन विजुअलाइज करोगे इस ओपन क्वाइल्ड हेलिकल स्प्रिंग में दिस इज क्लोज क्वाइल्ड एंड दिस इज ओपन क्वाइल्ड ओपन क्वाइल्ड वो होते हैं जहाँ पर जहाँ पर एंगल ऑफ एंगल एट यू हैव जिस एंगल पर आपने हेलिक्स फॉर्म किया है वो एंगल काफी सारा रहना है तो ये एक क्रॉस सेक्शन है वायर का जिस जो हम कंसिडर कर रहे हैं और ध्यान से समझियो क्योंकि ये डिफरेंसेस इजीली आपको समझ में आने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अगर आप ध्यान से समझियो तो दोस्त यहां पर इस एक्सेस के अबाउट आपने टॉर्क अप्लाई किया है ये एक्सेस है जिसके अबाउट आपने टॉर्क अप्लाई किया है और जब आप इस क्रॉस सेक्शन पे फोकस करते हो तो इस क्रॉस सेक्शन की इस सेक्शन की लॉन्गिट्यूर एक्सिस है ये और ट्रांसवर्स और ट्रांसवर्स एक्सेस है ये और आप देखो इसकी वजह से दोनों कंपोनेंट आपको आते हुए दिखेंगे इस ब्लैक वाले टार्क वेक्टर के आपके आपको दोनों कंपोनेंट्स आते हुए दिखेंगे ये कॉम्पोनेंट भी दिखा ये कॉम्पोनेंट भी दिखा और ये कॉम्पोनेंट भी दिखा अब आप इन दोनों को राइट हैंड थम से फिंगर में बदल दो राइट हैंड थम से फिंगर में बदल दो और राइट हैंड थम से फिंगर में बदल दो राइट हैंड थम से फिंगर में चेंज कर दो प्लीज फिंगर में चेंज कर दोगे तो ये वाला बन जाएगा तो ये वाला बन जाएगा ट्विस्टिंग मोमेंट और फिंगर में राइट हैंड थम को फिंगर में चेंज कर दोगे तो ये वाला बन जाएगा बेंडिंग मोमेंट और इसलिए टॉर्सनल शियर स्ट्रेस भी रहेगी और बेंडिंग की वजह से आने वाली नॉर्मल स्ट्रेस भी रहेगी रहेगी और बेंडिंग की स्ट्रेस भी रहेगी एंगल नहीं होता है इसलिए का पूरा, पूरा ये पूरा का पूरा बेंडिंग बन जाता है इट बिकम्स इन केस ऑफ क्लोज क्वाइल्ड द एंगल ऑफ द क्वाइल विद रिस्पेक्ट टू हॉरोजेबल बट इन केस ऑफ ओपन क्वाइल दैट एंगल इज नॉट नेग्लेजिबल तो कुछ आपको ट्विस्टिंग मोमेंट भी मिलेगा और कुछ आपको बेंडिंग मोमेंट भी मिलेगा तो so, ये आपके लिए दो मार्क्स का था और मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों का यहां पर नेगेटिव हुआ है लेकिन इसको एज अ लर्निंग लो कि चलो आज से आपको एक नई बात पता चल चुकी है माइनस जीरो पॉइंट सिक्स सेवन बहुत सारे लोगों को हासिल हुआ है

एक सेकंड। ऑपरेटिंग स्पीड इजेंटी परसेंट मोर द एंगेजमेंट स्पीड अब आपको ऑपरेटिंग स्पीड ओमेगा ये ध्यान रखना तो दोस्त स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना यहां से मैं एक सेकंड। ऑप्शंस को कर देता हूं डिलीट बाकी कर लेता हूं कॉपी The remaining I must copy, and just wait for a moment, people. अरे कीबोर्ड ही नहीं खुल के आएगा वेट 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 समाइम्स मशीन्स बिहेव लाइक दिस की नो you know, मैं तुम्हारा पेशेंस चेक करता हूं या चेक करती हूं बट देन आई एम लाइक कि तुम कुछ भी करो मैं अपना पेशेंस लूज नहीं करूंगा इसको कट कर दो आ, अब सॉल्व करने में थोड़ा मजा आएगा क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पर दिख जाएगी हाँ। तो क्लच है और ये तो बहुत आसान है क्यों आसान है देखो ध्यान से समझिए आपको पता है कि भाई टी होता है नंबर ऑफ शूज टार्क होता है जो टार्क ट्रांसमिशन होता है सेंट्रिफिकल क्लच से होता है नंबर ऑफ शूज नंबर ऑफ शूज मल्टीप्लाइड बाय म्यू मल्टीप्लाइड बाय द नॉर्मल फोर्स बिटवीन ईच शू इट सो नंबर ऑफ शूज मल्टीप्लाइड बाय म्यू म्यू मल्टीप्लाइड बाय द नॉर्मल फोर्स नॉर्मल फोर्स और मल्टीप्लाइड बाय म्यू ये बन जाता है फ्रिक्शन ऑफ फोर्स फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय आर ड्रम रेडियस ये आपको दे देगा टॉर्क. नॉर्मल फोर्स क्या होता है नॉर्मल फोर्स होता है नॉर्मल फोर्स होता है ध्यान से समझियो नॉर्मल फोर्स इज नथिंग बट एम आर जी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर अब आपको दिया हुआ है कि ड्रम रेडियस इज टेन परसेंट मोर यानी ड्रम रेडियस इज टेन परसेंट मोर देन आर जी आर जी क्या है rg है शू का आ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस तो rg के कंपैरिजन में ये टेन परसेंट ज्यादा है एंड इफ इट इज परसेंट ज्यादा तो rg हो जाएगा rg हो जाएगा 1.1 rg सो आर डिवाइडेड बाय 1.1 तो rg को आपने रिप्लेस कर दिया आर डिवाइडेड बाय 1.1 चार नंबर ऑफ शूज हैं ऐसा गिवन है म्यू इज देयर एंड एम इज देयर आर जी को आप रख दो आर डिडेड बाई बाद आपको गिवन है कि एंगेजमेंट स्पीड ऑपरेटिंग स्पीड ट्वेंटी परसेंट मोर देन ऑपरेटिंग स्पीड इज ट्वेंटी परसेंट मोर देन एंगेजमेंट स्पीड ट्वेंटी परसेंट मोर देन एंगेजमेंट स्पीड तो यहाँ से आपको एंगेजमेंट स्पीड मिल जाएगा ऑपरेटिंग स्पीड डिवाइडेड बाई वन पॉइंट टू ऑपरेटिंग स्पीड डिवाइडेड बाई वन पॉइंट टू ओके तो ऑपरेटिंग एंगेजमेंट स्पीड को आप रख सकते हो ऑपरेटिंग स्पीड डिवाइडेड बाई वन पॉइंट टू मल्टीप्लाइड बाई आर ये जरा आप यहां से चेक करो म्यू क्या मिलता है प्लीज चेक दिस प्लीज चेक दिस प्लीज चेक दिस क्विकली डेट म्यू क्या मिलता हैलो पीपुल कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है इसमें ओके okay. तो इसमें ऐसा क्या था भैया इसमें ऐसा था क्या और ए किसने किसने आंसर किया मुझे तो नहीं लगता है कि बहुत सारे लोगों ने ए आंसर किया था इसमें था क्या आई मीन कुछ भी नहीं था यार ये एकदम बच्चों वाला प्रॉब्लम था और ये कैसे गलत किया लोगों ने हाउ पीपल गार्ड इट करेक्ट हाउ पीपल गार्ट इट इन मैं बताता हूं हाउ पीपल गार्ट इट इन करेक्ट बहुत सारे लोगों को लगा कि अगर आर इज टेन परसेंट मोर देन आर जी तो आर जी इज नाइंटी परसेंट ऑफ आर सो दे पुट आर जी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट नाइन आर डोंट एवर डू दैट डोंट एवर डू दैट क्योंकि आर इज आर इज टेन परसेंट मोर देन आर जी इज नॉट द सेम थिंग एज आर जी इज नाइंटी परसेंट ऑफ आर ऑल राइट क्योंकि अगर आर जी नाइन्टी परसेंट ऑफ आर है तो नाइन्टी परसेंट में टेन परसेंट ज्यादा होगा तो वो नाइन्टी नाइन ही होगा जाके आर समझो बात को वन अपॉन वन पॉइंट वन इज नॉट एक्चुअली इक्वल टू जीरो पॉइंट नाइन इज नॉट द सेम थिंग एज जीरो पॉइंट नाइन एंड देयर फोर डोंट एवर कमिट एनी सच मिस्टेक तो ये आपके मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का टेस्ट था छोटा सा ये आपके मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का टेस्ट था छोटा सा अगर आपने सही किया कांग्रेचुलेश अगर आपने नहीं सही किया देन बी वेयर एंड बी अलर्ट सो ये था प्लस टू और ये था माइनस जीरो पॉइंट सिक्स सेवन और करेक्ट आंसर है दोस्त करेक्ट आंसर है यहां पर ए करेक्ट आंसर है ए ठीक है चलते हैं अगले सवाल पर लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जिन्हें मालूम है कंसेप्ट उनके लिए बहुत आसान है जिन्हें नहीं मालूम है कंसेप्ट उनके लिए ये प्रॉब्लम अनअप्रोचेबल है मैंने ए किया था नंबर ऑफ शूज दिया है हाँ जी नंबर ऑफ शूज दिया था देख लो मैंने उसी समय क्वेश्चन में आपको बोल दिया था कि एम है मास ऑफ ईच शू और फोर है नंबर ऑफ शूज ओके क्वेश्चन का आंसर या इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत सिंपल है आपको गिवेन है कि प्रेशर इंटेंसिटी टू माइनस आर ऐसा वेरी कर रहा है एक सिंगल प्लेट क्लच है एक ही साइड इफेक्टिव है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एक सिंगल प्लेट क्लच है एंड इस सिंगल प्लेट क्लच में इस सिंगल प्लेट क्लच में 50 से लेकर 150 तक 50 एम से लेकर 150 फिफ्टी तक विच इज़ पॉइंट से लेकर और पॉइंट तक सॉरी पॉइंट वन तक तो आप क्योंकि प्रेशर वेरी कर रहा है इसलिए आपको डिफरेंशियल अप्रोच यूज़ करनी होगी इसलिए आपको यह देखना होगा कि भाई इस छोटू एरिया पर कितना प्रेशर इंटेंसिटी है ओके वट इज द प्रेशर इंटेंसिटी एट दिस छोटू एरिया सो वट इज द प्रेशर इंटेंसिटी एट दिस छोटू एरिया एट दिस छोटू एरिया एट दिस छोटू एरिया उससे आपको क्या मिल जाएगा उसको जब आप एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो नॉर्मल फोर्स मिल जाएगा उसको जब आप एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो नॉर्मल फोर्स मिल जाएगा ओके okay? अगर आप ये प्रेशर इंटेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो पी मल्टीप्लाइड बाई टू पाई आर डी आर तो प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई बिकम लोकल नॉर्मल फोर्स दैट विल बिकम डिफरेंशियल नॉर्मल फोर्स, वो बन जाएगा लोकल नॉर्मल फोर्स और इस लोकल नॉर्मल फोर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं म्यू से इस लोकल नॉर्मल फोर्स को मल्टीप्लाई कर दूं म्यू से तो ये बन जाएगा लोकल फ्रिक्शनल फोर्स ये बन जाएगा लोकल फ्रिक्शन फोर्स और ये लोकल फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल है कितनी डिस्टेंस पर ये लोकल फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल है किसी जनरल डिस्टेंस आर पर ये लोकल फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल है किसी जनरल डिस्टेंस आर पर दिस इज अवेलेबल एट नी जनरल डिस्टेंस आर कूल। तो ये अवेलेबल है किसी भी जनरल डिस्टेंस आर पर ये बन गया लोकल फ्रिक्शनल टॉर्क। ये बन गया लोकल फ्रिक्शनल टॉर्क लोकल मतलब छोटे से एरिया की वजह से ये बन जाता है लोकल फ्रिक्शनल टॉर्क और फिर आप इसको जब इंटीग्रेट कर दोगे पॉइंट जीरो फाइव से लेकर और पॉइंट वन फाइव तक तो आपको ये टोटल तो आपको ये टोटल टॉर्क कैपेसिटी मिल जाएगी इंटीग्रेट करो और बताओ मुझे एग्जैक्टली exactly क्या मिलता है इंटीग्रेट दिस पीपल इंटीग्रेट दिस इंटीग्रेट दिस फोर फोर एट नाइन पॉइंट क्योंकि आप पी को आप रिप्लेस करना होगा दैट्स इट टू माइनस आर और उसके बाद आप इंटीग्रेट कर सकते हो इंटीग्रेट करने के बाद आपको मिल जाएगा फोर फोर एट नाइन पॉइंट एट फाइव फोर फोर एट नाइन पॉइंट एट फाइव न्यूट्रन मीटर ओके चलो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल अगला सवाल क्या है अगला सवाल है ये तीन बोर्ड्स हैं हमारे है पास तीन आइडेंटिकल बोर्ड्स और ये तीन आइडेंटिकल बोर्ड्स पे हमने एफ अप्लाई किया है तीनों को इक्विलेटरल ट्राइंगल के अरेंजमेंट में अरेंज किया हुआ है तीनों को इक्विलेटरल ट्राइंगल के अरेंजमेंट में अरेंज किया हुआ है ए इज द टोटल डिस्टेंस अब ये फिगर यहाँ से कॉपी कर लेते हैं फिर मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ और मैं ये भी बताता हूँ कि इसेंट्रिक लोडिंग इसेंट्रिक लोडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो आप सब कुछ जानते हो उसके बाद भी आप पता नहीं क्यों गलतियाँ करते हो अगेन एंड अगेन ये पूरा क्यों सेलेक्ट हो जा रहा है भाई मुझे सिर्फ ये चाहिए इंक वाला चाहिए चलो कोई नहीं हो जाओ तो मुझे सिर्फ फिगर ही चाहिए था लेकिन पे हैंग बहुत होता है यस ओनली इंक रेड कूल ओके पीपल सो लिसन एंड ट्राई अंडरस्टैंड ध्यान से समझियो <coughs> सबसे पहले आपको इसका सेंट्रॉइड लोकेट करना होगा और सेंट्रॉइड एक इक इक्टेट्रल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होता है एक ट्रायंगल का होगा यहां से 2h थ्री पर भी टू एच बाई थ्री पर और इधर से भी 2h एच बाई थ्री पर आपको पता है कि तीनों तरफ से यह टू एच बाई थ्री टू एच बाई थ्री टू एच बाई थ्री पर होगा और h इट क्या होगा तो चाहे आप आर देख लो या आर देख लो या आर देख लो चाहे आप आर ए देख लो या आर बी देख लो या आर सी देख लो एक्चुअली तीनों इक्वल होंगे और ये तीनों होंगे टू एच बाई थ्री सो वेदर यू थिंक अबाउट आर ए और यू थिंक अबाउट आर बी और यू थिंक अबाउट आर सी देवल टू टू एच बाई थ्री अब एच इट सेल्फ क्या होता है एच इट सेल्फ क्या होता है एक इक्वलिटर ट्राइंगल के लिए एच इट सेल्फ इज रूट थ्री बाई टू ए नहीं या रूट थ्री बाई फोर ए एच इट क्या होता है एच होता है एच डिवाइडेड बाई ए बाई टू इज इक्वल टू साइन सिक्सटी डिग्री रूट थ्री बाई टू सो एच हो जाता है रूट थ्री ए बाई फोर तो एच को आप यहां पर रख दो एच अगर आप रख दोगे रूट थ्री ए बाई फोर तो ये हो जाएगा टू तो आपके पास आ जाएगा कि ये आर ए इज इक्वल टू आर बी इज इक्वल टू आर सी RA is equal to RB is equal to RC is equal to R is equal to A root 3 divided by 2. I hope you, no sorry, A divided by 2 root 3. I hope you understand this. A divided by 2 root 3. I hope you understand this. Okay? ओके रूट थ्री ए बाई फोर होता है मुझे लगता है मैंने सॉल्व कर दिया है रूट थ्री ए बाई टू से और इस वजह से ही आपका कोई आंसर मैच नहीं कर रहा होगा प्रॉब्ली बट चलो ठीक है उससे फर्क नहीं पड़ता है अब देखो ये एफ बाई थ्री एफ बाई थ्री एफ बाई थ्री हो जाएगा प्राइमरी शेयर फोर्स जब आप प्राइमरी शेयर फोर्स की बात करोगे तो चाहे ए पर कैलकुलेट करो या बी पर कैलकुलेट करो या सी पर कैलकुलेट करो तीनों हो जाएंगे एफ बाई थ्री एफ बाई थ्री एफ बाई थ्री ऑल थ्री ऑफ देम आर गोइंग टू बी एफ बाई थ्री एफ बाई थ्री एंड एफ बाई थ्री एफ डिवाइडेड बाई थ्री एफ डिवाइडेड बाई थ्री एंड एफ डिवाइडेड बाई थ्री ओके तो कहानी हो गई प्राइमरी सीयर फोर्स की सेकेंडरी सीयर फोर्स में क्या होगा सेकेंडरी सीयर फोर्स क्योंकि आर इक्वल है क्योंकि आर इक्वल है इसलिए तीनों पे सेकेंडरी सीयर फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा क्योंकि आर इक्वल है आई रिपीट इसलिए मैग्नीट्यूड 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 इक्वल होगा एंड दैट मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है आर पर अच्छा के क्या हो जाएगा के हो जाएगा एफ मल्टीप्लाइड बाई टू एफ मल्टीप्लाइड बाई टू ए डिवाइडेड बाई आर ए स्क्वायर प्लस आरबी स्क्वायर प्लस आर सी स्क्वायर आर ए स्क्वाइज ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वेल्व स्क्वेर डिवाइडेड बाई ट्वेल्व अरे आरबीआरसी हो गए टू एच बाई थ्री टू एच बाई थ्री टू एच बाई थ्री एंड दैट बिकम्स एच इज नूट थ्री ए बाई फोर तो रूट थ्री ए बाई फोर ये टू हो गया एवरीथिंग इज परफेक्ट यस तो टू बाई रूट थ्री अब यह हो जाएगा के हो जाता है एफ इन टू इस डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बाई 12 एन देन ए स्क्वायर बाई ट्वेल्व एन देन ए स्क्वायर बाई ट्वेल्व मल्टीप्लाइड बाई r की वैल्यू वंस अगेन आपको पता है a डिवाइडेड बाई टू रूट थ्री तो ये बताना जरा सेकेंडरी फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या मिलता है सेकेंडरी फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या मिलता है एच इज रूट थ्री बाई टू आन लिया एक सेकेंड कैसे भाई दिस इज ए दिस इज ए दिस इज ए, एंड दिस इज सिक्सटी डिग्री नो सो एच डिवाइडेड बाई ए बाई टू इज साइन सिक्सटी सही तो है हो 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 वही मैं सोचूं <laughs> कोई नहीं गुड 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 रूट थ्री ए बाई टू ही होगा कहा ही चला जाता है कभी कभी दिमाग वाओ लवली रूट थ्री ए बाई टू होगा और रूट थ्री ए बाई टू होगा तो वेट फॉर अ मोमेंट पीपल आई जस्ट नीड टू करेक्ट थिंग्स क्विकली रूट थ्री ए बाई टू होगा ओके देखो 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 इसका मतलब मैंने सॉल्व सही करके ऑप्शन सही सेट करे हैं बट अभी सॉल्व करते समय मैंने ब्लेंडर किया सो टू बाई थ्री एंड ये हो जाएगा रूट थ्री ए बाई टू सो ए बाई रूट थ्री दिस इज ए बाई रूट थ्री एफ इंटू टू है एंड ए बाई रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर बाई थ्री एंड ए स्क्वायर बाई थ्री एंड ए स्क्वायर बाई थ्री मल्टीप्लाई अभी आ गया है अभी आ गया है बस पंद्रह मिनट और रह जाओ नेट भैया अच्छे से बताओ बताओ जल्दी से बताओ ये क्या आता है भाई हेलो पीपल हाँ अब ओके okay है तो प्राइमरी तो एफ बाई थ्री एफ बाई थ्री एफ बाई थ्री था ये कितना है स्क्वायर बाई थ्री ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा टू डिडेड बाई रूट थ्री टू एफ डिवाइडेड बाई रूट थ्री बेसिकली टू डिड बाई रूट थ्री फाइव फोर सेवन हाँ फोर सेवन वन फाइव फोर सेवन एफ अब आप बता दो मुझे ये बोल्ट ए पर किस डायरेक्शन में होगा बोल्ट ए पर किस डायरेक्शन में होगा जिस तरह से आपका ये टॉर्क एक्ट करेगा लाइक like दिस तो उसका ऑपोजिट सेंस आप सोचो उसका ऑपोजिट सेंस सोचो ऐसा कुछ होगा सेकेंडरी फोर्स का डायरेक्शन सेकेंडरी फोर्स एज ए रेजिस्टेंस ऐसा डायरेक्शन होगा तो अभी प्राइमरी फोर्स ए की बात अगर आप करो प्राइमरी फोर्स है एफ वाई थ्री और सेकेंडरी फोर्स है सेकेंडरी फोर्स है वन पॉइंट वन फाइव फोर सेवन वन पॉइंट वन फाइव फोर सेवन एफ और दोनों के बीच का एंगल है वन ट्वेंटी डिग्री रिजल्टेंट कैलकुलेट करो फटाफट दोनों के बीच का एंगल है 120 डिग्री रिजल्टेंट कैलकुलेट करो फटाफट रिजल्टेंट हो जाएगा रिजल्टेंट हो जाएगा एफ प्राइमरी एट ए स्क्वायर प्लस एफ सेकेंडरी एट ए स्क्वायर प्लस टू एफ प्राइमरी एंड एफ सेकेंडरी एंड कास थीटा अंडर स्क्वायर रूट तो बताना मुझे क्या मिलता है रिजल्टेंट आपको फाइनल 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 वन फिफ्टी क्यों होगा यस 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 वेट 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 वन फिफ्टी होगा हाँ वन फिफ्टी होगा एंगल क्यों क्योंकि ये थर्टी डिग्री है ये थर्टी डिग्री है ओरजोंटल से तो ये वर्टिकल से थर्टी डिग्री होगा हां 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 यस ओके टेल मी नाउ यू टेल मी द रिजल्टेंट जीरो पॉइंट एट एट ओके सो नन ऑफ देम इज मैचिंग बट देन आप लोग जो बता रहे थे वो तो कहीं दूर था आप में से ज्यादातर लोग वन पॉइंट या ऐसे करके कुछ बता रहे थे सो करेक्ट आंसर इज क्लोजेस्ट आंसर इज एफ क्लोजेस्ट आंसर इज एफ ओके एंड वंस अगेन यू हैव प्लस टू यू हैव माइनस जीरो पॉइंट सिक्स सेवन एंड क्लोजेस्ट आंसर इज एफ चलो अगले सवाल पर चलते हैं तो प्लीज बी केयरफुल एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग टू थिंग्स वन रेडियल डिस्टेंस ऑफ ईच एंड एवरी रिविट और ईच एंड एवरी बोल्ट टू द एंगल एक रेडियल डिस्टेंस कैलकुलेट करते समय केयरफुल रहो दूसरा एंगल कैलकुलेट करते समय केयरफुल रहो ठीक है ये रहा आपके सामने अगला सवाल ब्रैकेट इज वेल्डेड बाई ए पैरल फिलेट एज शोन इन द फिगर ओके अब इसमें क्या है कि जैसे अनसेमेट्रिकल वेल्ड के आपने जितने भी प्रॉब्लम्स किए हैं ध्यान से समझियो अनसिमेट्रिकल वेल्ड के आपने जितने भी प्रॉब्लम किए हैं उसमें कहीं ना कहीं आप तुरंत फटाफट -फड़ डिवाइड करने की कोशिश करते हो कि भाई इतना फोर्स वेल्ड ए पर आ जाएगा और इतना फोर्स वेल्ड बी पर आ जाएगा है ना दिस इज हाउ यू डू इट दिस इज हाउ यू डू इट दैट अगर एक ब्रैकेट है और उस ब्रैकेट पर अगर एक ब्रैकेट है और उस ब्रैकेट पर आपने कोई लोड अप्लाई किया जो अनसिमेट्रिकल है जो ए एक तरफ से ए डिस्टेंस पर है और दूसरी तरफ से बी डिस्टेंस पर है एक तरफ से ए डिस्टेंस पर है और दूसरी तरफ से बी डिस्टेंस पर है तो फ्रॉम वन साइड इट इज़ एट ए डिस्टेंस फ्रॉम अनदर साइड इट इज़ एट बी डिस्टेंस देन आप बोल देते हो फटाफट कि भाई जो जो यू नो वर्ल्ड वन पे और वर्ल्ड टू पे लोड आएगा वो कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और और इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड होगा लेकिन अफकोर्स दैट इज ऑलवेज हैविंग एन एजाम्शन That is always having an assumption that the force itself is not having any eccentricity with respect to the centroid. Force itself is not having any eccentricity with respect to the centroid. If the force is having eccentricity with respect to the centroid. Then सबसे पहले आपको force को centroid पर लेकर जाना होगा. उसके बाद ही आप कोई calculation कर सकते हो. उसके बाद ही आप कोई calculation कर सकते हो. और वैसे भी यहाँ पर यहां पर बहुत प्रिसाइजली और बहुत केयरफुली और बहुत बहुत कनिंगली चालाकी के साथ बोला गया है सो so दैट आप ये क्लेम ना करने लग जाओ कि सर जहां है वहीं से हम रिजल्टेंट शेयर अगर अलोकेट करने की कोशिश करें तो बहुत चालाकी के साथ वेरी कनिंगली वेरी क्लेवरली क्वेश्चन प्राइमरी क्वेश्चन मेंशन करता है प्राइमरी शीयर तो प्राइमरी शीयर निकालने के लिए सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होगा centroid कहां पर होगा centroid होगा ध्यान से समझियो सेंट्रॉइड एल का तो यहीं पर है एल का सेंट्रॉइड तो जीरो पर है और थ्री एल का सेंट्रॉइड टू एल पर है थ्री एल लेंथ का सेंट्रॉइड है टू एल पर और टोटल लेंथ है एल प्लस थ्री एल तो सेंट्रॉइड आपको मिल जाएगा कहां पर सेंट्रॉइड आपको मिल जाएगा 3l एल मल्टीप्लाइड 2l टू एल डिवाइडेड बाई ने 4l को मार दिया सेंट्रॉइड मिल गया मुझे 1.5l पर सेंट्रॉइड आई एम गेटिंग एट 1.5l. पॉइंट यहां कहीं इस पूरे वेल्डेड जॉइंट का सेंट्रॉइड होगा एट 1.5l. पॉइंट फाइव एल दिस इज द सेंट्रॉइड एंड जहां पर फोर्स एक्चुअली एक्ट कर रहा है दैट इज 1.3333 पॉइंट एल जहां पर फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज 1.3333 पॉइंट एल और जहां पर सेंट्रॉइड है वो है 1.5 पॉइंट एल सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि फोर्स को यहां से ट्रांसफर करना होगा एंड वंस यू ट्रांसफर द फोर्स यू आर गोइंग टू गेट एफ एंड यू आर गोइंग टू गेट दिस डिफरेंस नाउ दिस डिफरेंस इज हाउ मच वन बाई टू माइनस वन बाई थ्री बेसिकली वन बाई सिक्स वन बाई टू माइनस फोर बाई थ्री सॉरी थ्री बाई टू माइनस फोर बाई थ्री थ्री बाई टू माइनस फोर बाई थ्री जीरो पॉइंट वन सिक्स सेवन तो ये यहां से जब आप ट्रांसफर करोगे तो आपको दो चीजें मिलेंगी एक मिलेगा एक मिलेगा एफ और दूसरा मिलेगा एफ इन टू ई अब इसकी आप एनालिसिस करोगे फर्दर तो एफ की वजह से एफ की वजह से देन माई डियर फ्रेंड्स ड्यू टू एफ यू आर गोइंग टू गेट ड्यू टू एफ यू आर गोइंग टू गेट द प्राइमरी एक्शन एंड ड्यू टू कपल यू आर गोइंग टू गेट द सेकेंडरी एक्शन तो ये हो जाएगा कितना ये हो जाएगा एफ इन टू लेकिन हमें सेकेंडरी एक्शन उन्होंने कैलकुलेट करने को नहीं बोला है वैसे भी वो कन्वेंशनल टाइप प्रॉब्लम हो जाती हमें सिर्फ प्राइमरी एक्शन कैलकुलेट करने को बोला गया है दे आर आस्किंग अस टू कैलकुलेट ऑनली द प्राइमरी एक्शन इट तो प्राइमरी एक्शन कैलकुलेट करना है हमें प्राइमरी एक्शन क्या हो जाएगा प्राइमरी एक्शन इज गोइंग टू बी ध्यान से समझियो अब आप प्राइमरी एक्शन टोटल के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि शेयर स्ट्रेस अगर सेंट्रॉइड से फोर्स पास कर रहा है तो प्राइमरी शेयर सभी जगह पर इक्वल 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 होगा तो आपकी मर्जी आप कैसे करना चाहते हो आप प्राइमरी शेयर सीधे सीधे कैलकुलेट कर सकते थे सीधे सीधे कैलकुलेट कर सकते थे कि एफ डिवाइडेड बाई थ्री एल मतलब ये सब करना भी नहीं था आपको ये सब भी करने की जरूरत नहीं थी all this was not even needed okay to seedhe seedhe aap kar sakte the f divided by 3l plus l 3l plus l multiplied by throat thickness given hai kya haan ji throat thickness given hai तो ये हो जाएगा F डिवाइडेड बाय 4TL मतलब ये मैं आपको बता रहा हूं कि without doing any ट्रांसफर एंड सेंट्रोइड कैलकुलेशन इन एनीथिंग कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं थी ये सीधे सीधे आ जाता जीरो पॉइंट टू फाइव एफ डिवाइडेड बाई टी एल लेकिन दिस इज वन स्ट्रैटी दिस इज वन स्ट्रैटी ओके ये है स्ट्रैटी वन लेकिन अगर आप सेंट्रॉइड वगैरह कैलकुलेट करके फिर ऐसे करना चाहते हो क्योंकि अगर सेकेंडरी भी कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ गई अगर सेकेंडरी भी कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ जाए इफ

एंड डिवाइडेड बाई थ्री एल मल्टीप्लाइड बाई टी वंस अगेन आप करके देख लो बेटा वंस अगेन यू विट वंस अगेन यू विल गेट समथिंग लाइक दिस तो आपकी मर्जी है आप कैसे करते हो पूरे पूरे को एक साथ अप्रोच करते हो या फिर किसी एक एक पे ट्रांसफर करते हो फोर्स एंड अकॉर्डिंगली यू एक्ट इट्स अप टू यू So 0 0.25 is the correct answer. 0 0.25 is the correct answer. This was plus 2, and this was minus 0 0.67, and the correct answer is nothing but B. ये है अगला सवाल या आप कह सकते हो आखिरी सवाल आज का जो कि किसी ने नहीं किया हां ज्यादातर लोगों ने 0.33 0.33 0.33 एक बार प्रॉब्लम को ठीक से पढ़ा करो हमेशा उन्होंने पूछा क्या है एक बार प्रॉब्लम को ठीक से पढ़ा करो हमेशा प्राइमरी शेयर पूछा है और प्राइमरी शेयर ट्विस्टिंग का इफेक्ट हटा के कंसिडर करोगे और एक बात आप याद रखना फोर्स का डिवीजन करते समय फोर्स का डिवीजन करते समय ध्यान से समझियो फोर्स का डिवीजन करते समय हमेशा ये याद रखो प्लीज याद रखो कि जो ये आप यूज करते हो ना ये ये आप यूज करते हो ना दिस दिस थिंग यू कैन यूज ऑनली वेन द फोर्स इज पासिंग थ्रू सेंट्रॉइड प्लीज यूज दिस थिंग ऑनली वेन द फोर्स इज पासिंग थ्रू सेंट्रॉइड ये जो एफ इन बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी करते हो या फिर एफ इंटू ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी करते हो आप ये बेटा तभी करना जब फोर्स सेंट्रॉइड से पास कर रहा हो अदरवाइज मत करना पहले सेंट्रॉइड निकाल के उसके बाद ही फिर करना फर्दर प्रोसीड सो दिस यू मस्ट यूज ऑनली इफ द फोर्स इज पासिंग थ्रू सेंट्रॉइड प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट चलो अभी मैं सॉल्व करवाता हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दट इज नाउ सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट ड्राइवर साइड ऑफ ऑफ अ अ क्लच इज इज रनिंग एट ओमेगा एंड कनेक्टेड टू सोर्स पावर पी वेल इसमें आपको सीधे सीधे फार्मूला अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है ऑल राइट right. और वो फार्मूला होता है टाइम ऑफ एंगेजमेंट इज इक्वल टू दैट फार्मूला इज टाइम ऑफ एंगेजमेंट इज इक्वल टू ज इक्वल टू दू नो इनिशियल ओमेगा इनिशियल ओमेगा ऑफ ड्राइवर साइड इनिशियल ओमेगा में जो डिफरेंस हो वेट फॉर अट इनिशियल ओमेगा ऑफ ड्राइवर साइड माइनस इनिशियल ओमेगा ऑफ ड्रिवेन साइड डिवाइडेड बाई जो भी टार्क Torque या load torque या जो भी कह लो मल्टीप्लाइड बाई वन अपॉन आई ऑफ द ड्रिवन साइड एंड वन अपॉन आई ऑफ द ड्राइवर साइड सॉरी वन अपॉन ड्राइवर साइड एंड अपॉन ड्रिवन साइड अब ये फार्मूला कहां से आता है विल नॉट गो इन टू दैट हम उसमें नहीं जाएंगे लेकिन ये फार्मूला आपको याद रखना है ओके okay. अब यहां पर इनिशियल स्पीड में जो डिफरेंस है बेटा वो जीरो है बाय डिफॉल्ट क्यों क्योंकि ड्राइवर्स ड्रिवन साइड तो मूव नहीं हो रहा होगा ड्रिवन साइड तो मूव नहीं हो रहा होगा तो बाय डिफॉल्ट आप ड्रिवन साइड को जीरो मान लोगे ये है ड्राइवर साइड और ये है ड्रिवन साइड दिस इज द ड्रिवन साइड ओके तो ड्राइवर साइड को हम वन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ड्रिवन साइड को हम टू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनिशियली ड्रिवन साइड इनिशियली तो क्लच क्लच के होने से पहले तो ड्रिवन साइड रेस्ट पर था ना ड्राइवर साइड रोटेट कर रहा था एक बार क्लच एंगेज हो जाएगा साथ रोटेट होना शुरू हो जाएंगे तो वो दोनों एक साथ रोटेट होना शुरू हो जाएंगे ऑल राइट तो टाइम फॉर एंगेजमेंट क्या हो जाएगा टाइम फॉर एंगेजमेंट हो जाएगा एंड फाइनली उसको वही वेलोसिटी फाइनली उसकी भी वही वेलोसिटी हो जानी है जो वेलोसिटी ड्राइवर साइड की है तो ओमेगा डिवाइडेड बाय टी को आप लिख सकते हो पी डिवाइडेड बाय ओमेगा एंड uh, ड्राइवर साइड का आई है तो ड्रिवन साइड का फाइव आई है ऐसा गिवन है तो ये हो जाएगा दोस्त ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी एंड फाइव डिवाइडेड बाय सिक्स है ना ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड by पी एंड देन वी हैव सिक्स एंड आई एंड फाइव 5 इज गोइंग टू बिकम ओमेगा स्क्वायर आई डिवाइडेड divided by 1.2 p पी तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी और इसको लगभग लगभग सबने सही आंसर किया था ग्रेट ऐसे ही पढ़ते रहो बढ़ते रहो जबरदस्त तरीके से प्लस टू एंड माइनस जीरो पॉइंट सिक्स सेवन माइनस जीरो एंड द करेक्ट आंसर इज नथिंग बट करेक्ट आंसर इज नथिंग बट डी करेक्ट आंसर है बेटा डी कूल ओमेगा स्क्वायर आई डिवाइडेड बाय वन पॉइंट टू पी मैंने दूसरे एजुकेटर से सीखा है एम डी प्रायर ज्वाइनिंग टू यू आपने ज्यादा सिखाया और मैंने कम सीखा है अब क्या ही कह सकता हूं मैं चलो स्कोर आंसर स्कोर अपडेट करो सभी लोग हर्षित ने अपडेट कर दिया है टेन बाई सिक्सटीन सॉर अब नाइन पॉइंट थ्री थ्री बाई फिफ्टीन एक्चुअली पहले चार क्वेश्चन थे वन मार्क फिर फिफ्थ से लेकर टेंथ तक टू मार्क्स हैं रामचंद्र फाइव ओवर सिक्सटीन ओके स्कोर अपडेट करो सभी लोग जल्दी से जल्दी से जल्दी से स्कोर अपडेट करो सभी लोग मेरी क्वेश्चन बैंक वाली बुक प्रोसेस में है बेटा लेकिन अभी टाइम लगेगा अभिषेक 8.66 डिवाइडेड बाय 16 निगेटिव आज हुए हाँ 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 हा निगेटिव होने ही थे इन वेल्ड क्वेश्चन सेम कॉन्फ़िगरेशन इफ आई रिवर्स द लेंथ जॉइंट विल ब्रेक ना दैट विल डिपेंड अपॉन परमिसेबल स्ट्रेस बट येस दैट विल नॉट बी ए वेरी गुड थिंग टू डू इसी इट्स नॉट गोइंग टू ब्रेक ब्रेक होगा या नहीं होगा वो तो परमिसिबल स्ट्रेस पर डिपेंड करेगा लेकिन हाँ ज्यादा स्ट्रेसेस आएंगे उसके बात सही है मिनिमम स्ट्रेसेस तब आएंगे जब हम फोर्स को मिनिमम पॉसिबल स्ट्रेसेस तब होंगे जब हम फोर्स को ट्वेल्व वन पॉइंट फाइव एल पर ही अप्लाई करते हैं. क्योंकि फिर टार्क नहीं रह जाएगा ये टॉर्क की वजह से अभी सेकेंडरी शेयर भी आएगा तो आप अगर नीचे अप्लाई करोगे फोर्स तो वो सेंट्रॉइड से और दूर हो जाएगा या ऊपर अप्लाई करोगे और नीचे लेंथ बढ़ा दोगे लेंथ रिवर्स कर दोगे तो सेंट्रॉइड नीचे आ जाएगा तो सेंट्रॉइड नीचे आ जाएगा, तो जाएगा फोर्स आपका ऊपर है तो इस फिर बढ़ जाएगी इसेंट्रिसिटी बढ़ जाएगी तो टॉर्क बढ़ जाएगा तो प्राइमरी तो फिक्स है लेकिन सेकेंडरी आप बढ़ाते रहोगे जितनी इसेंट्रिसिटी बढ़ती रहेगी ये है कहानी दिस इज द स्टोरी दो नेगेटिव 8.66 आउट ऑफ 16, ओके दिलेश मेहर 7.67 आउट ऑफ 16, सूफी खान 9 आउट ऑफ 16, ग्रेट 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 डायमंड ज्वाइन में एक बार टीयरिंग स्ट्रेंथ बता दीजिए अच्छा एक सेकंड, बताता हूँ देखो देखो ये थर्ड वाले क्वेश्चन में हमने बात की थी शेयरिंग और ये सब की एक सेकेंड वहां से कॉपी कर लू मैं हां जी देखो तो यहां पर क्या है यहां पर हमारे पास है पर हमारे पास है नाइन नंबर ऑफ रिविट्स यहां भी, भी है देखने में नहीं लग रहा है लेकिन गिवन है कि दोनों में डाया सेम है का दोनों में डाया सेम है रिविट्स का तो अगर डाया सेम है तो शेयरिंग स्ट्रेंथ क्या होता है शेयरिंग स्ट्रेंथ होता है सीधे सीधे परमिसेबल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई टोटल एन टोटल एन ओके टोटल एन है ये

टीयरिंग स्ट्रेंथ अनफॉर्चुनेटली टीयरिंग स्ट्रेंथ आउटर रो पे टीयरिंग स्ट्रेंथ अनफॉर्चुनेटली एक रो के लिए डिफाइंड होती है टीयरिंग स्ट्रेंथ अनफॉर्चुनेटली एक रो के लिए डिफाइंड होती है तो अगर आप एक रो के लिए डिफाइंड करोगे टीयरिंग स्ट्रेंथ तो ज्वाइंट वन में क्या हो जाएगा ज्वाइंट वन में हो जाएगा टेंसाइल परमिसेबल स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस थ्री इंटू डी मल्टीप्लाइड बाई डी ज्वाइंट ए में हो जाएगा कुछ ऐसा एक दो तीन कुछ ऐसा कि आउटर रो पे आपके पास तीन होल हैं आउटर रो पे आपके पास तीन होल हैं सो बी माइनस थ्री डी b माइनस थ्री डी इंटू डी लेकिन यहां पर अगर आप आउटर रो पे कैलकुलेट करोगे यहां पर अगर आप आउटर रो पे कैलकुलेट करोगे टीयरिंग स्ट्रेंथ आउटर रो पर अगर आप कैलकुलेट करोगे टू में तो क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा सीधे सीधे सिग्मा टेंसाइल मल्टीप्लाइड बाय एरिया एरिया कितना अवेलेबल है यहां पर एरिया अवेलेबल है बी माइनस डी यहां पर एरिया अवेलेबल है बी माइनस डी आउटर रो पे सिर्फ एक होल है तो इफेक्टिव एरिया जो आपके पास अवेलेबल है वो है बी माइनस डी कूल, इसलिए टीयरिंग स्ट्रेंथ सेम नहीं है आप बोलोगे कि सर एक सेकंड, अगर मैं थर्ड रो पे कैलकुलेट करूं तो थर्ड रो पे इसकी टीयरिंग स्ट्रेंथ यहां के आउटर रो के बराबर ही है एंड आई एम गोइंग टू से कि भैया थर्ड रो पे कैलकुलेट करोगे तो बाहर के रिविट्स की शेयरिंग स्ट्रेंथ और uh, क्रशिंग स्ट्रेंथ भी ऐड करनी पड़ेगी एग्जैक्टली exactly. बैलगाड़ी में एक बड़ा बैल और एक छोटा बैल छोटा बैल उस जगह लगाया जहां का व्हील खराब है हम्म 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 फॉर ऑपोजिट वेल्डिंग सर बजट स्पीड छोड़कर आपका वीडियो देख रहा हूं दैट्स योर चार थैंक यू हमारा बजट तो यही है ना हमारा मुझे तो एक चीज पता है दुनिया के सबसे बड़े बजट के बारे में और वो दुनिया का सबसे बड़ा बजट है दुनिया का सबसे बड़ा बजट और सबसे बड़ा अकाउंट सेविंग्स अकाउंट है आपके डीड और आपके थाट्स आपके विचार और आपके कर्म जितने आप अच्छे विचार और अच्छे कर्म जमा करते रहोगे द गुड थाट्स एंड गुड डीड्स यू कीप डिपॉजिटिंग कीप डिपॉजिटिंग कीप डिपॉजिटिंग दैट विल मेक योर लाइफ पीसफुल आई मीन इससे बड़ा और कोई अचीवमेंट नहीं है नो जॉब नो यू नो अचीवमेंट नो मॉनिटरी रिवार्ड नो रोल ऑफ सीनियर मैनेजर कैन एवर कॉम्पनसेट दिस गुड थाट्स एंड गुड डीड्स अच्छे विचार और अच्छे कर्म दिस इज दिस इज दैट्स द यू नो स्टेटमेंट आई सेड इट समझ आ गया गुड 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 तो हमारे लिए बजट यही है भैया दिस इज आवर बजट है ना चलो थैंक यू सो वेरी मच पीपल फॉर पीपुल इन पढ़ते रहो बढ़ते रहो एंजॉय करते रहो आठ फरवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है गेट 2022 के लिए

और आपकी जीत अनस्टॉपेबल होने वाली है कहीं ना कहीं दोस्त नाउ <coughs> मैं आपको शेड्यूल बता देता हूं शेड्यूल ऐसा कुछ रहने वाला है मंडे टू फ्राइडे सुबह साढ़े नौ से साढ़े ग्यारह और मंडे टू फ्राइडे शाम को छह से दस क्लासेस रहेंगी अगर आप कॉलेज गोइंग हो या फिर आ, अगर आप कॉलेज गोइंग हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो तो कोई चिंता वाली बात नहीं है ये आप सैटरडे uh, संडे पे अटेंड कर सकते हो ये सारी क्लासेस मॉर्निंग वाली बाकी इवनिंग स्लॉट में आपका uh, SOM, FM, TOM, ये सारे मैं करवाने वाला हूँ बहुत अच्छे से दीज सब्जेक्ट्स आई गोइंग टू डू इन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मैनर मोस्ट एक्सटेंसिव मैनर आपको मजा आएगा पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग को पढ़ते हुए यू आर एक्चुअली गोइंग टू एंजॉयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाइब्रेशन का क्लास आठ फरवरी से स्टार्ट हो रहा है आठ से बीस तक उसके बाद मैकेनिक्स सॉलिड्स है बाईस फरवरी से 28 मार्च तक उसके बाद तीस मार्च से एक मई तक फ्लूड मैकेनिक्स है और उसके बाद आ, तीन मई से लेकर 5 जून तक थर्मो है तो ये सारी चीजें हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो और इस बैच का पार्ट बन सकते हो सेवेंटी मार्क्स आने वाले पाँच से 6 महीने में कंप्लीट करेंगे हम तो ये अगर आपको टारगेट करना है साथ साथ तो आ जाओ थोड़ी सी मेहनत थोड़ी सी एन्जॉयमेंट थोड़ा सा लाइवलीहुड और एक जबरदस्त लर्निंग ईयर आपके लिए रहने वाला है अगर आप इस बैच के पार्ट बनते हो तो आप कोई ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है आप जाकर मेरी प्रोफाइल देख सकते हो हन अकेडमी पर और जो भी यू नो स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ हैं पहले के जो स्टूडेंट्स पिछले साल के जो जिन्होंने मेरी गाइडेंस में सीखा है उनके जो रिव्यूज़ हैं वो देख सकते हो तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद जज करने के बाद आप डिसीजन ले सकते हो आ, अगले पांच महीने में हम कवर करने वाले हैं सोम एफ एम थर्मोडाइनमिक्स और टॉम ये चालीस मार्क्स और फिफ्टी परसेंट मैथ्स फिफ्टी परसेंट और फुल एप्टीट्यूड तीस मार्क्स ये तो टोटल से छह महीने में हम फुल लेंथ टेस्ट के लिए रेडी हो जाए आपको सब्सक्राइब करना है इस बैच का पार्ट बनने के लिए आपको करना है -E 10 अगर कोई क्वेरी है कोई कंसर्न है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो अन अकेडमी डॉट कॉम स्लैश एट द रेट मारुत लाइव इस पर्टिकुलर आई डी पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो इफ यू एनी क्वेरी और कंसर्न ओके नाउ अगर आप को सब्सक्रिप्शन लेना है नहीं लेना है लेकिन तब भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये ट्वेंटी फ्री स्पेशल क्लासेस आप अटेंड करो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि सीखना कैसा होता है आप ये ट्वेंटी फ्री स्पेशल क्लासेस अटेंड करो तो यू you नो know, ये लिंक पे जाके आपको बीस फ्री स्पेशल क्लासेस का एक्सेस मिल जाएगा तो आपको ये पता चलेगा कि, कि सीखना क्या है उससे ज्यादा ये पता चलेगा कि सीखना कैसे होता है एक ट्रू लर्निंग जो होती है कंसेप्चुअल लर्निंग जो होती है वो कैसे होती है ठीक है तो दोस्त थैंक यू सो वेरी मच थैंक यू सो वेरी मच पीपल फॉर ज्वाइनिंग मी इन एम टी लाइव यूज करना है आपको ध्यान रखना और जो भी मेरे डेढ़ साल दो साल थर्ड uh, ईयर या फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि 18 या 24 महीने के लिए जाओ 18 या 24 महीने के लिए जाओ एम टी लाइव कोड यूज करना है एंड यूल बी गेटिंग दिस यूल बी गेटिंग दिस तो लगभग ये नाइनटीन हंड्रेड रुपीज पर मंथ या सिक्सटीन हंड्रेड रुपीज पर मंथ इफेक्टिवली आता है ओके दिस कम्स डाउन लाइक दिस थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द सेशन। मिलते हैं फिर से एक बार हाँ 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 हाँ। निवेद। अब बस टेस्ट ओवर हो जाए फिर उसको कंप्लीट कर देता हूं मैं ओके okay? चलो गाइस थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मीन Bye people.